हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नए नए ब्लॉग्स के लिए। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट है यहीं से, अभी बज रहा है 8:30 रात के। कल मम्मी पापा जाने वाले हैं गाँव, यहाँ पे चल रही पापा के नए फोन की सेटिंग अभी तक हुई नहीं है, ये रहा पाटा। और वी आर सो सॉरी कि हम इस बार भी नहीं बता पाए दाल वाफले की रेसिपी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, क्योंकि कल मम्मी पापा को जाना निकलना है गांव। मम्मी आप लोग गांव क्यों जा रहे हैं? गांव इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो गौड़ बाबा है, कुल देवी देवता जो रहते हैं ना, उनकी स्थापना है। मंदिर वो खंडित हो गया था तो उसका नया बनाया है मंदिर सब लोगों ने मिल के, और उसकी स्थापना है हमारे गौड़ बाबा की। और फिर उसका भंडारा भी, कल कलश यात्रा है, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि गर्मी बहुत है। बाकी लोग तो चले गए हैं, बाकी मेरी देवरानी और हम लोग कल निकलेंगे। मुझे भी जाना था मम्मी, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ यार इस बार, है ना? मैं नहीं जा पाऊंगी, पूरी फैमिली को जाना चाहिए। सब लोग गए, मेरी देवरानी जेठानी सब लोग, बस मैं ही नहीं जाऊंगी। मम्मी रीजन बताइए आपसे। क्योंकि है ना, शिवन्या का भाई शांत हो गया, और शिवन्या ऐसी सगी भाभी है, और वैसे तो अभी कई लोग यूँ बोल रहे हैं कि भाई शांत हो गया, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले की पुरानी वीडियो थी जो उसने कोलैबोरेशन करके, और मैंने शिवन्या को कॉल करा, मैंने बोला शिवन्या मैं डालू के, बोलते दीदी जाने वाला चला गया, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप करो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे से, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो वो पुरानी वीडियो डाल रही, उसी में लोगों कमेंट कर रहे हैं कि आप गए नहीं, मम्मी क्यों नहीं गए, आप बताओ मुझे, आप बताओ सबको क्यों नहीं गए। क्योंकि है ना, उस दिन रात को अचानक से प्लान बना था, और पीहू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको उल्टी दस्त भी हो रहे थे, और अब ये 13 वाले दिन जाएंगे। तो उस दिन मम्मी ने बोला कि तुम लोग आज मत जाओ, आज इतना जरूरी नहीं, तुम लोग भले आप एकदम से निकलोगे तो एकदम से नहीं पहुंचोगे, मम्मी ने बोला था, तो मम्मी की बात मान के हम लोगों ने 13 वाले दिन जाएंगे। तो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाना जरूरी है, जाना यहाँ भी जरूरी है, पर वहाँ मतलब मौत मैयत हो गई है, सगा भाई था शिवन्या का, तो वहाँ जाना जरूरी था। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, अभी छोटी नवरात्रि आएगी, फिर ये लोग वहाँ पे ढोक देंगे, उनको ढोक देना, क्योंकि वहाँ तो कभी भी जा सकते हैं, पर ये 13वें का काम तो एक ही बार होगा ना यार, वो वहाँ जाना जरूरी था। और ना माही को महीने में एक ही बार इतनी छुट्टी मिल सकती है, 3 दिन की यहाँ के लिए ले लें या 3 दिन की वहाँ ले लें, जैसे हम लोग अभी कल अगर निकलते 18, 19, 20, 21 तक घर आते, और फिर वापस वो अगर ये बोलते कि 25, 26, 27 की फिर छुट्टी चाहिए, तो आप समझ सकते हो जॉब में इंसान रहता है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है माही के जॉब के चक्कर में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली प्लान्स भी हम लोगों को कैंसिल करने पड़ते हैं उनकी छुट्टी की वजह से। और आज दाल वाफले मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसको मेरे हाथ के दाल वाफले पसंद है, और आज मेरा शुक्रवार का फास्ट है, मम्मी ने बोला था ये मिर्ची तू बना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना रही, चाहती ये वाली मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनाती है ये, लेकिन बहुत दिन से मम्मी आज मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तुम और प्रमोशन करना था आज, मतलब हफ्ता भर से ज्यादा हो गया, मैंने हफ्ते से भी ज्यादा हो गया ना मम्मी, मैंने कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं करे, और अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है यार, तो इसलिए मैंने सोचा, इसलिए माही आ गए हैं, हाँ मम्मी पैकिंग करेंगे और मैं कोलैबोरेशन करूंगी, क्योंकि फिर मम्मी भी चले जाएंगे तो शूट करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए करना ज़रूरी है। बज रहे हैं रात के 10, अभी बर्तन धो के फ्री हुई, वाई फ्री लगाया हुआ है, एक तो कोलैबोरेशंस करने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, एक तो 3-4 दिन हो गए रोते रोते, क्योंकि शिवन्या की आवाज़ सुनते तो रोना आ जाता है। बस अब बहुत हिम्मत कर रही हूँ मैं कि मेरे को तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। अब देखो मेरा रूम देखो, वैसे आई थी तो बैग भी खाली नहीं करा था, मम्मी को जाना था तो छोटा वाला ही बैग चाहिए था, तो मैंने कहा मैं खाली कर दूँ, ये इसी का कोलैबोरेशन करने से लहंगे का साड़ी का सबका। ये देखो रात के 10 बजे वाले, और मम्मी की हो रही है पैकिंग गाँव जाने के लिए। रख लिया हो गई पैकिंग, पैकिंग बैग दे दे, बैग दे दे, बैग दे दे, कल से पागल कर रखा था मुझे, 10 मिनट भी लगे बैग पैक होने में, हाँ फटफट हो गए, अब देखना। वाइट क्यों रख रहे हो पापा? गर्मी की तो है वो कपड़ा, ठंडी में गर्मी का हिस्सा ये रही मैं, मम्मी इतना मन बना रही हूँ तैयार होने के लिए कि मैं तुमको क्या बताऊँ, मेरे को इतना सिर दुख रहा, 3-4 दिन हो गए ना रोते 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 रोते, सिर बहुत दुख रहा है मेरा। नहीं
मम्मी मुझे जस्ट याद आया अभी जो शिवन्या के ब्लॉग में मतलब मेरे ब्लॉग में बोला कि आपके भाई आपके भैया का ये भाभी का भाई एक्सपायर हो गया तो है ना आपने तो बिंदी लगा रखी है लिपस्टिक लगा रखी है 12 दिन तक ना बिंदी लगाते ना लिपस्टिक अपने इसमें ऐसा कुछ होता है हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कई लोगों में डिलीवरी में भी नहीं लगाते पर हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हाँ डिम्पल दीदी के इसमें भी होता है वो भी नहीं लगाती पर हमारे इधर ऐसा होता तो मम्मी पहले ही मुझे बता देते कि मनीषा ऐसा मत करना हमारे यहाँ नहीं होता है ना सबका अलग अलग रूल रहता है जरूरी थोड़ी कि हर कोई हर रूल फॉलो करे आप लोग हमारे यहाँ होता है वो तुम्हारे यहाँ नहीं होता है तुम्हारे यहाँ होता है हमारे यहाँ तो बस ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपको कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता आ जाएंगे ना बैग में कपड़े हाँ। आपकी साड़ियाँ हो गई दो तो साड़ी रखना तो अभी यहाँ पर रुक रहे हैं 11 और आप लोग देख सकते हैं सो अभी बज गई है कितनी 11:15 बजने वाली है और अभी यहाँ पर एक कोलैब कंप्लीट हो चुका है दूसरा वो करना है कर लो अरे दिल नहीं करता तो आप देख सकते हैं गाइस कि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता रात को 11 बजे कभी आप कंप्लीट होकर के कभी डांस करके वीडियो बनाया है आप लोगों ने नहीं ना अरे यार बहुत अर्जेंट का था यार मतलब उनका पेज बंद हो गया था क्रिएटिव फैशन क्लब करके पेज था तो वो किसी ने हैक कर लिया उनका पेज तो उन्होंने दूसरा पेज बनाया तो भेजे अरे पापा मम्मा को तो बोलने दो भेजे हुए 1.5 महीना हो गया पेज बंद हो गया था तो 15-20 दिन तो पेज बंद रहा फिर दूसरा पेज बनाया उस बात को भी 10-12 दिन हो गए वो बोले दीदी कर दो मेरे को जरूरत है दीदी कर दो फिर ये सारी चीज़ें तो कर नहीं पाई फिर मैं आज कर दी यार ठीक है जो भी है लोगों का तो काम होता है बोलना वो बोलेंगे जैसे तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी कितने दिन की देते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है छुट्टी ऑफिस में सेल्स वाले हैं 1-2 दिन की है ना तो ये भी मेरा काम हुआ ना और 4-5 दिन हो गए मैंने वीडियो बनाई वीडियो डाल रही थी लोग मुझे बोल रहे कि शर्म नहीं आ रही भाभी का भाई एक्सपायर हुआ अरे तो भाई वो कोई ओकेजन की वीडियो थोड़ी ना डाल रहे हैं काम है तो काम की वीडियो डाल रहे हैं मुझे तो गंदा लगा था ट्रोल करते हैं यार जरा जरा सी बातों पे इतना ट्रोल करने लग जाते हैं लोग जिस कुछ मतलब तो लोग कहेंगे लोगों का उसका भाई एक्सपायर हुआ उसका भाई हमारा भाई वो समझ रही है मेरे काम को मतलब दीदी आपका काम है करो पर लोग मतलब ऐसे पहले भी हुआ था ऐसे ही मतलब कमेंट्स में आग लगाना और ये क्या ही बोलूँ छोड़ो खत्म करो ऐसा यार आसान भी नहीं होता सच बताओ ना तो दिल भी नहीं कर रहा पर बहुत अर्जेंट का था ना तो फिर मैंने लगा ये तो कर ही दूँ और कल मम्मी भी चली जाएगी तो मेरा शूट करवाने वाला कोई नहीं अब 3 दिन ये रात में आते तो इनसे बहुत मिन्नतें करना पड़ती है मेरे को कोलैबोरेशन करवाने के लिए मिन्नतें ही करना पड़ती है वहीं करवा दो वहीं करो नहीं अभी मेरी कमर दुख रही है नहीं भी है खैर ठीक है वो भी ऑफिस जाते हैं तो इसलिए एक एक मेरे पास पहले का है एक ये हो गया दो और एक और मैं एडजस्ट कर लूँगी तो 3 दिन के ऐसे तो हो जाएंगे शूट भी ख़त्म हो गया ना बाकी फिर मम्मी आएगी तो करवा ही देगी फिर मम्मी आएगी फिर अपने को भी तो जाना है तो फाइनली लोग जा रहे हैं कैमरा भी साफ हुआ है देखो मम्मी अंदर तेरे से मिल जाऊंगा ये है मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी अच्छे से जाना मम्मी अच्छा खुश है देखो जो चाहिए वो सब मिल जाए कहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी है वो उधर बॉटल पता नहीं